तो गाइस 90 FPS वर्सेस 60 FPS क्या आपको प्रेफर करना चाहिए 50K में, 50K क्या चाहे आपके पास में कितना भी बजट हो, आपको ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी कि हमें आईफोन लेना चाहिए 60 FPS वाला या फिर हमको एंड्रॉइड लेना चाहिए 90 FPS वाला। तो यही आज आपको मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा वैसे ज्यादा बेटर रहता है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस मैं कॉम्पिटिटिव की भी बात करने वाला हूँ कि कॉम्पिटिटिव के लिए आपको 60 FPS का आईफोन लेना चाहिए या फिर एंड्रॉइड लेना चाहिए 90 FPS का, तो वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस है और क्या यहाँ पे कुछ फायदा होता भी है 90 FPS का। तो देखो अगर आपके पास में एंड्रॉइड का 90 FPS होगा ना तो कुछ टाइम तो आपको जरूर से फायदा होगा ही, क्योंकि भाई 30 फ्रेम्स आपको फालतू मिलते हैं 60 FPS से, तो उसका ना जरूर से यहाँ पे फायदा होता है। और कैसा फायदा होता है, तो फायदा ऐसा होता है ना कि सामने वाला बंदा कवर में चला जाएगा और तब भी आप उसको डेसिंग में मार दोगे, मतलब कि आपको तो वो कवर के बाहर दिखेगा लेकिन उसके फोन में वो कवर के अंदर होगा और यही फ्रेम के डिफरेंस के वजह से होता है और तभी आप मार पाते हो। और आपके साथ में ना ऐसा हुआ भी होगा कि बहुत बार ना 90 FPS वाले सामने आ जाते हैं, मतलब कि एनिमी 90 FPS वाले होते हैं और तभी आप डीसिंग में मरते हो और फिर आप चिल्लाने लगते हो कि भाई मैं डीसिंग में मर गया। तो वो गेम की गलती ज्यादातर टाइम नहीं होती है, ज्यादातर टाइम वो गलती होती है 90 FPS और फ्रेम्स की, क्योंकि भाई अगर सामने वाले के पास में फ्रेम ज्यादा होंगे ना तो वो आपको मार ही देगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है FPS वजह से 90 FPS में या फिर किसी भी FPS में। तो इस वजह से अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो ना तो भाई वहाँ पे एक एक सेकंड भी और एक एक HP भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस वजह से आपको 90 FPS ही प्रेफर करना चाहिए। और अभी यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें 90 FPS कौन सा लेना चाहिए, एंड्रॉइड का लेना चाहिए या फिर आईफोन का लेना चाहिए। आईफोन का तो भाई 1.5 लाख रुपए का 90 FPS आता है, 50,000 वाले में वो लोग नहीं देते। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आईफोन का सिस्टम होता है ना वो इतना ज्यादा अच्छा होता है गेमिंग में, मतलब अभी तो चलो आईफोन लैग होने लगे है, पहले जैसा सीन नहीं रहा अब, लेकिन भाई आईफोन यहाँ पे इतने ज्यादा अच्छे होते हैं ना, खासकर तो बीच में पबजी में, कि अगर आपका लैग भी हो रहा होगा ना तो भी सामने वाले बंदे को गोलियां पड़ेंगी। और मैं खुद भी आईफोन पे खेलता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ भाई सही में गोलियां पड़ती है, मेरा लैग भी होता रहता है ना तो भी मैं सामने वाले बंदों में 5-6 बंदे तो मार ही देता हूँ। और ये चीज को ध्यान में रख के ना मैं ये बोल सकता हूँ कि 50-50 चांसेस अब हो जाते हैं कि अगर आपके पास में आईफोन है 60 FPS वाला और एंड्रॉइड है 90 FPS वाला, तो भाई 50-50 चांसेस होंगे कि या तो एंड्रॉइड वाला जीतेगा के पास 90 FPS है, वरना तो आपका आईफोन जीतेगा। और इसी वजह से बहुत ज्यादा गेमर्स में ना कंफ्यूजन होती है कि भाई हम कौन सा ले। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो तब तो आईफोन ही प्रेफर करना, चाहे फिर आप 60 FPS वाला ही क्यों ना लो, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव में भी ना उतने लोग नहीं है जो कि 90 FPS पे खेलते हो। जो टॉप टॉप के प्लेयर्स है ना लाइक जोनाथन वगैरह और जितने भी T1 प्लेयर्स है उन्हीं के पास में 90 FPS वाला आईफोन होता है। तो जितना मेरे को लगता है तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, मतलब कि आप 1.5 लाख रुपए वाला फोन तो नहीं ले सकते, और भाई मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे जो कि 1.5 लाख रुपए का फोन नहीं ले सकते, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव में कुछ करना चाहते हो ना भाई तो आईफोन ही लेना, एंड्रॉइड की तरफ मत जाना, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ में ना इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि आपके साथ में क्या हो जाए, एंड जोन में आपका फोन चले ना चले कुछ भी नहीं पता। हाँ ये बात मैं जरूर से मानता हूँ कि अभी मार्केट में ऐसे फोन आ चुके हैं एंड्रॉइड में जो कि कॉन्स्टेंट 90 FPS देते हैं, लाइक iQOO 12 वगैरह, और iQOO के ना भाई सारे एंड्रॉइड फोन ही मेरे को बहुत पसंद है। तो ऐसे मत सोचना कि भाई मैं एंड्रॉइड का हेटर हूँ कोई, बस जो रियलिटी है ना और जो भाई पूरी दुनिया बोलती है मैं भी वही बोल रहा हूँ। आप किसी भी टॉप स्पोर्ट्स प्लेयर को उठा के देख सकते हो, वो कभी भी ना जो उसका सबसे अच्छा मैच होगा वो उसने एंड्रॉइड पे नहीं खेला होगा, आईफोन पे ही खेला होगा। जो रतन का हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड है कॉम्पिटिटिव में 16 किल्स का, और वो अभी उसमें भाई आईफोन पे ही किए थे, एंड्रॉइड में नहीं किए थे। तो भाई आईफोन ही हर जगह प्रीफर होता है, तो इसलिए मैं भी आपको यही बोलूंगा कि कॉम्पी अगर खेलना है ना तब तो आईफोन ही लेना। एंड अगर आपने आज तक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं खेला है, कोई सा भी आपने स्क्रीम्स वगैरह नहीं खेला, कॉम्पिटिटिव मैच एक भी नहीं खेला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉइड में होता क्या है, क्या क्या दिक्कतें होती है कॉम्पिटिटिव में। जो चाहे आप कितना भी टॉप फ्लैगशिप का फोन ले लो एंड्रॉइड का, जैसे ही आप उसके अंदर ना कॉम्पिटिटिव खेलोगे, एक मैच भी खेलोगे, तो पहले आपको लैग देखने मिलेगा रोटेशंस वगैरह में, और जो सबसे मेन लैग होता है ना वो होता है एंड जोन में। एंड जोन में भाई बिल्कुल ही एंड्रॉइड फोन ना बेकार हो जाते हैं। और बहुत लोगों के मन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई आईफोन वाला इतना पैसे लेता है तो आईफोन में 90 FPS क्यों नहीं देता, तो वो एप्पल की मर्जी है और एप्पल अपने आप को स्टेटस सिंबल समझता है। और भाई ऐसा है भी, बहुत सारे लोग ना ऐसे है जो कि एप्पल का आईफोन लेके और भाई स्टेटस सिंबल की तरह उसको दिखाते हैं। एंड और भी बहुत सारे एप्पल के खुद के रीजन है इस वजह से यहाँ पे 90 FPS नहीं मिलता है। लेकिन जितना मेरे को पता चला है ना, तो आईफोन 17 जो आएगा, मतलब कि 2 साल बाद, उसमें हमको 90 FPS देखने मिल सकता है। तो ऐसे अगर होता है ना तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन तब तक तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास में पैसे नहीं है ना और कॉम्पी में कुछ करना चाहते हो तो एंड्रॉइड का 90 FPS मत लेना, आईफोन का 60 FPS ही ले लेना। एंड बाकी और भी कुछ आपको सजेशन चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे
फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।